उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दहाड़ते हैं तो बड़े से बड़ा अपराधी बिल में घुस जाता है और उनकी इस दहाड़ के लोग कायल हैं। सिर्फ उनके अपने ही नहीं, विरोधी पार्टी भी उनकी दहाड़ की मुरीद है, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने बाबा योगी की लताड़ की तारीफ की है। दरअसल विधानसभा में सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचरितमानस विवाद को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सत्ता के लिए श्रद्धा से समझौता नहीं कर सकता। अनुभूतियों ने चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी के बयान की तारीफ की है। कांग्रेस नेता ने कहा है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सत्ता के लिए श्रद्धा से समझौता नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में श्री रामचरितमानस का पक्ष रखने और रामायण का अपमान करने वाले नेताओं की ठुकाई करने के लिए मैं सीएम योगी की सराहना करता हूं। बता दें कि सीएम योगी ने न सिर्फ रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, बल्कि माफियाओं के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव और बाबा के बीच विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। बाबा योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि माफियाओं को पनाह देने वाले तुम ही लोग हो। आपको कहना चाहिए था, ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। कहीं सच नहीं कहा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। सीएम योगी के रामचरितमानस को लेकर सपा पर बोले गए हमले को लेकर और इस मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।